ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बता रहा हूँ कि अगर आपने उस राज पर अमल कर लिया तो समझें कि आप दुनिया में जिस मैदान में जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी ही हासिल करेंगे। ये एक ऐसा राज है जो मेरे दादा मुर्शिद पीर तरीक़त रहबर शरीयत रमूज़ मारफत किबला पीर सैयद एजाज़ अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। उन्होंने अपने साहबजादे चेयरमैन और सज्जादा नशीन किबला पीर सैयद महफूज अली शाह कादरी एजाज़ी दामत बरकातुहुल आलिया को दिया और उन्होंने मुझे दिया, और अब मैं ये राज आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये एक ऐसा राज है कि मेरे दादा मुर्शिद फरमाते हैं कि मुझे किताबें समझ नहीं आती थीं, ऐसी किताबें जो कोई आम इंसान नहीं पढ़ पाता था। मैं वो बुलंदी हासिल करना चाहता था, वो कुर्बे इलाही हासिल करना चाहता था। मैं किताबें पढ़ता था, मैं दिनों रात लगा रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब से मैंने इस राज पर अमल करना शुरू किया है ना, यकीन जानो आपको वो कुर्बे इलाही हासिल हुआ। मेरे दादा मुर्शिद खल्के खुदा की, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए खिदमत करते और हमें भी यही मिशन दिया। और अब मैं वो राज बताता हूँ कि जिससे उन्होंने इस राज पर अमल किया और वो हर मंजिल में कामयाबी होते चले गए। उन्होंने हमें बताया कि बेटा, आपने हर रोज़ हमातन इसाले सवाब करते रहना है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, जिस मैदान में कामयाब नहीं हो रहे, अगर आपने इसाले सवाब करना शुरू कर दिया तो समझो कि आपकी कामयाबी शुरू हो गई। और बंदा इसाले सवाब करने के बाद जिस फील्ड में हाथ रखता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कामयाबी अता फरमाता है, बशर्त ये है कि वो काम जायज़ हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आपको इसाले सवाब हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए कराम को, रिजालुल गैब को, अल्लाह के नेक बंदों को, वलियों को करना है। और अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा करनी है कि मौला, मुझे इस काम में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। और आपको जो कुछ आता है आप वो पढ़ें। आपको अलम शरीफ आती है, अलम शरीफ इसाले सवाब करें। कुल शरीफ आती है, आयतल कुर्सी आती है, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दुरूद शरीफ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है। वो इतना अजीम रब है, अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। जब हम उसके महबूब का नाम लेते हैं और फिर दुआ करते हैं, मेरा रब हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर लेता है। मेरे दोस्तों, आप इस आले सवाब को आम नहीं समझिएगा, बल्कि अमल करके तो देखें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी चेंजेस आती है, आप कैसे हर मैदान में कामयाबी हासिल करते हैं। ना सिर्फ आप दुनिया में कामयाबी पाएंगे, बल्कि आप अपनी आखिरत भी संवार लेंगे।